Velocity of a body which has fallen under gravity is given by this formula, मतलब कि इस पे dependence है उसका, where g is acceleration and h is height, the value of a and b आपको calculate करना है. तो आप थोड़ा सा ऐसे formula type बना लीजिए, और objective है तो हम लोग directly भी कर सकते थे. जो भी v के dimensions होंगे वो इस तरह रिलेट हो जाएंगे h और g के dimensions के साथ. और v का dimension क्या होता है, ये velocity है, तो lt minus 1 हो गया. k का dimension तो 1 ही हो जाएगा, k क्योंकि dimension less constant है. g acceleration due to gravity है, lt minus 2 की power a, h height है केवल, तो l की power b. काफी आसान है, स्कूल लेवल सवाल है. ओके, अब एल टी माइनस वन यहाँ पे है, तो एल की पावर आप वन लिख लें वहां से कंपेयर करने के लिए, सारे एल एक साथ कर लें, एल आ गया एल की पावर ए और एल की पावर बी, एल की पावर ए प्लस बी आ गया यहां से, और टी की पावर माइनस टू ए आ गया. अब दो इक्वेशन बन गई, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ए. यहां से आ गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सेकेंड इक्वेशन से रिजल्ट हमारा एक दिखने लगा, ए इज इक्वल टू वन बाई टू. अब ए को इसमें वन में पुट करते हो तो वन बाई टू आता है, ठीक है. और अब 1 माइनस 1 बाई टू भी 1 बाई टू आ जाएगा, तो a भी 1 बाई टू आ गया, b भी 1 बाई टू आ गया, देयरफोर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 बाई टू. ऐसा आपको आंसर दिया भी हुआ है, और यह है ऑप्शन नंबर सी.